हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी जो आपका सेकेंड ईयर सेमेस्टर में केमिस्ट्री में प्रोटीन है, देखिए जूलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ बेसिक प्रोटीन के बारे में दिया गया है इस साल आपको सेमेस्टर में, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। देखो प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन वनस्पति तथा जंतुओं दोनों से प्राप्त होने वाला प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल देते हैं, आपको मालूम 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के भी ये बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या कराते हैं, 90% भाग जंतुओं के शरीर का, लगभग 19% देखिए 19% भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन जो कहलाते हैं, प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट आपको जो सेमेस्टर में पढ़ना है तो सिर्फ प्रोटीन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो प्रोटीन जो होता है ये त्रियामी संरचनाएं होती हैं, देखिए प्रोटीन एक निश्चित त्रियामी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन की जो संरचनाएं अलग अलग त्रियामी संरचना होती है, देखिए प्रोटीन के प्रकार जो होते हैं, प्रोटीन चार प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, तो त्रियामी संरचनाएं प्रोटीन की होती है। प्रोटीन को मैक्रोअणु, प्रोटीन एक मैक्रोअणु है, याद रखना प्रोटीन एक क्या कहलाता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कहलाता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और क्वार्टरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार प्रकार के प्रोटीन होते हैं। देखिए प्रोटीन की संरचना के अकॉर्डिंग में आपको देखेंगे, प्राथमिक प्रोटीन क्या कहलाते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अल्फा अमीनो अम्ल से मिलकर के संख्या और उन्हें जुड़े हुए क्रम वाली प्रोटीन है, अल्फा अमीनो अम्ल और उनके क्रम में जुड़ी वाली श्रृंखला। देखना ये कुछ हेलिक्स के समान ऐसे होते हैं, जो ये वाली सब प्राथमिक में जो होती है अल्फा हेलिक्स, देखिए ऐसी टाइप की संरचना होती है। ये कौन सी प्रोटीन कहलाती है, प्राथमिक प्रोटीन में जो कि अल्फा हेलिक्स, जिसको क्या कहते हैं अल्फा हेलिक्स कहलाती है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए क्या रहता है, एक साइड चैन पाई जाती है, ठीक है। साइड चैन के साथ साथ यहाँ पे जो संरचना, ऐसे में जो संरचना जुड़ी हुई होती है, देखो ये जो संरचना ये अल्फा हेलिक्स वाली संरचना कहलाती है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच के यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसी इतनी स्ट्रक्चर होती है। तो ये कौन सी कहलाती है, अल्फा हेलिक्स की संरचना कहलाती है, जो कि किसमें आएगी, प्राथमिक संरचना जो उसके अंतर्गत आती है। ये जो सेंगर ने 1958 में, याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो सेंगर नामक वैज्ञानिक ने, सेंगर ने 1958 में इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, प्राथमिक प्रोटीन के बारे में सेंगर ने 1958 में बताया था, ये चीज भी आपको याद रखना होगा। इसमें इंसुलिन के 51 अमीनो अम्ल होते हैं, याद रखना जो प्राथमिक प्रोटीन है इसमें 51 इंसुलिन जो होता है उसके प्राथमिक अम्ल पाए जाते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपका। इसकी श्रृंखला में डाइसल्फाइड बंध बनते हैं, ये भी याद रखना। जो प्राथमिक या प्राइमरी प्रोटीन के बारे में सिर्फ बता रही हूँ अभी मैं, कि प्राइमरी प्रोटीन जो प्राथमिक प्रोटीन जो होता है ये अल्फा अमीनो अम्ल की संरचना कहलाती है, ये एक अल्फा हेलिक्स की समान रचना देखिए आपको दिखाई दे रही है। इसमें 51 अमीनो अम्ल भी पाए, इंसुलिन पाए जाते हैं, मतलब जो 51 अमीनो अम्ल है इंसुलिन में पाए जाते हैं, ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के रूप में होता है। सेंगर ने 1958 में प्राथमिक प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया था कि डाइसल्फाइड याद रखिएगा, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब देखिए सेकेंडरी या द्वितीय संरचना जो होती है, सेकेंडरी जो कहलाती है, इसकी 1951 में सेकेंडरी जो है या द्वितीय प्रोटीन की को 1951 में रॉबर्ट ने, किसने की थी, रॉबर्ट कोरे ने की थी। ये भी आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव है कि 1951 में रॉबर्ट कोरे ने द्वितीय प्रोटीन या सेकेंडरी प्रोटीन की खोज की थी। ये संख्या एठी हुई रहती है, कैसी रहती है, एठक के समान, जैसे एठी हुई संरचना होती है, जैसे कि एक जो रस्सी ऐट जाती है उसके समान ये संरचना होती है, इसलिए इसको हम क्या सेकेंडरी संरचना भी कहा जाता है। देखो क्या ऐसी इस टाइप की संरचना इसकी पाई जाती है, तो ये एठक या एक रस्सी के समान की संरचना होती है। ये बीटा प्लेट सीट भी कहते हैं, याद रखना इसको बीटा संरचना भी अगर कह सकते हैं, बीटा संरचना भी आप इसको कह सकती हैं। देखो इस टाइप की अगर रचना है, ये इस टाइप में, तो ये क्या है, बीटा, क्या है ये, बीटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जो द्वितीय प्रोटीन के लिए भी बनाया जाता है। आपको बता रही हूँ द्वितीय प्रोटीन की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोरे ने 1951 में की थी, ये भी आपको जानना जरूरी है। तथा
लाइंस और कॉलिंग ने भी इसमें योगदान दिया था। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है लाइंस कॉलिंग रॉबर्ट कोरे चारों आती है तो आप टिक लगा देंगे। 1951 में अगर रॉबर्ट कोरे आता है तो भी आप टिक लगाएंगे। द्वितीय संरचना जो होती है इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों पाई जाती है। ठीक है, अल्फा और बीटा दो प्रकार की शीट। अगर क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी जो होती है कितने प्रकार की स्ट्रक्चर, तो अल्फा और बीटा दोनों प्रकार की शीट किसमें पाई जाती है, द्वितीय संरचना में पाई जाती है। याद रखना इनके बीच की दूरी जो होती है, जो ऐसी संरचना जो होती है इनके बीच की दूरी जो होती है 5.5 होती और होती है, याद रखना 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एन और सी टर्मिनल एक दिशा में पाए जाते हैं। इसमें याद रखना एन और सी एक दिशा में टर्मिनल टर्म जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना कोलेजन हेलिक्स इसमें अल्फा बीटा और कोलेजन। कभी क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी जो प्रोटीन जो होता है इसमें कितने प्रकार का है, तो अल्फा बीटा और कोलेजन। ठीक है, अल्फा बीटा और कोलेजन तीनों प्रकार के प्रोटीन का संरचना पाया जाता है। अब देखो तृतीय प्रोटीन या टर्टरी, तृतीय प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन जो होता है स्थायी विन्यास बना लेता है। क्या होता है, स्थायी विन्यास के रूप में होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, तृतीय प्रोटीन कहा जाता है। इसमें बीटा सीट प्लेट की संरचना पाई जाती है, मतलब आप मानो तृतीय कैसी रहती है, ये तृतीय प्रोटीन। ठीक है, मानो ये तृतीय प्रोटीन कहलाती है। तृतीय प्रोटीन की संरचना मुड़कर एक स्थायी विन्यास बनाती है। इसमें डाई सल्फाइड पाई जाती है, याद रखना इसमें एस बॉन्ड एस भी पाया जाता है। तृतीय प्रोटीन में एस बॉन्ड एस पाया जाता है, ये फिर बंद नहीं होती, खुली श्रृंखला ऐसा ओपन रहती है और बंद नहीं होती है। ये जब रोधी आकर्षण भी पाया जाता है। फिर इसके बाद आप देखोगे तृतीयक, अभी देखो आप चतुर्थ, चतुर्थ प्रोटीन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड होता है। चतुर्थ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है, इस प्रोटीन में चतुर्थ स्तंभ पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंध डायसल्फाइड सभी पाए जाते हैं। याद रखना चतुर्थ प्रोटीन, प्रोटीन चार प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो प्राथमिक प्रकार की संरचना देखो ऐसी हो गई। ठीक है, द्वितीय प्रकार की जो हो गई तो वो एक ऐसी सील्ड जैसी और एक ऐसी हो गई, सेकेंडरी हो गई। ठीक है, टर्टरी जो हो गई, टर्टरी में देखो ऐसा कोलेजन के समान ऐसे बन जाती है, ये क्या हो गई टर्टरी वाली हो गई। फोर्थ वाली जो होती है दोनों का मिक्स मिक्स होता है ऐसा, ये तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चार प्रकार के जो प्रोटीन होती है इनकी संरचना इस टाइप से होती है। तो ये आपके पेपर में अगर आता है तो आपको इसको करना पड़ेगा और इसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा, मतलब और आपको लिखना तो है नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं फिर इसका मैं उपयोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या उपयोग होता है। अभी मैंने इसके बारे में बताया, प्रोटीन चार प्रकार के होते हैं वो बता दिया, इनकी संरचना समझा दी, इसके खोज की ये सब बताया। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है तो आप इसको ध्यान से सुनना। थैंक यू।